दोस्तों नौकरी करो तो ऐसे ही करो कि चार लोग भी बोलें कि अरे ये तो बहुत पैसे कमाता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोको पायलट की जॉब की और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ALP की एलिजिबिलिटी की। बहुत से लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ITI डिप्लोमा या फिर BTech में से कुछ भी कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी बातें आगे करेंगे, फिलहाल यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो लोग ये पूछते हैं कि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो क्या हम भर सकते हैं, तो देखिए ITI और डिप्लोमा 10th के बाद भी हो जाता है। तो अगर आपने ITI और डिप्लोमा कर लिया तो जब आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप सिर्फ 10th के डॉक्यूमेंट लगाएंगे और ITI डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। आप अपने 11th क्लास और 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे। तो आपने कॉमर्स लिया था 11th 12th में या फिर आर्ट्स, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 10th प्लस ITI, मतलब 10th तक तो सब करते ही करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद आपने ITI डिप्लोमा कर लिया तो बस हो गया काम, आप एलिजिबल हैं। अब अगला सवाल आता है कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स, इन चार ब्रांच और इनकी सब ब्रांचेज जो इनसे जुड़ी हुई हैं वो सारी एलिजिबल हैं, जो भी इनसे जुड़ी हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल होती है तो उसके साथ आपने दूसरे नाम भी जुड़े हुए देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देखा होगा। तो इस तरह की सारी ब्रांच जो भी इन सब से जुड़ी हुई हैं वो एलिजिबल हैं, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला सवाल और आता है कि हमारी ITI में ये सब ट्रेड्स हैं, क्योंकि ITI में थोड़ी सी ज्यादा ट्रेड्स होती हैं ITI डिप्लोमा में BTech के मुकाबले। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे कुछ नाम, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। अगर आपने इनमें से किसी में भी ITI या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से कईयों के दोस्त होंगे जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते होंगे अपनी ब्रांच को लेकर कि पता नहीं मैं भर सकता हूं या नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ भाई तुम्हारी ब्रांच इसमें है और तुम भर सकते हो। बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तभी चीजें क्लियर होती हैं। इसके बाद सवाल आता है BTech वालों का। BTech में तो वही चार ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल और उनकी सब ब्रांचेज। अब अगला सवाल आता है लोगों का कि भाई साहब अभी हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, या अभी रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम भर सकते हैं, तो जी नहीं, आपका कंप्लीट पास आउट होना चाहिए। आप BTech में हो तो BTech बिल्कुल पास होकर आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, ITI या डिप्लोमा का भी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कि हाँ हम पास हो गए हैं, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, जो अपियरिंग वाले हैं वो इसमें नहीं भर सकते हैं। और ब्रांचेस को लेकर तो उम्मीद है कन्फ्यूजन क्लियर हो ही गया होगा। और वही सवाल जो बहुत से लोग पूछते रहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो उनके लिए वही जवाब कि दोस्तों अगर आपने ITI या फिर डिप्लोमा कर लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 11th 12th में आपने चाहे कॉमर्स लिया हो या फिर लिया हो आर्ट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेहिचक फॉर्म भरिए और पास होइए, लोको पायलट बनके जिंदगी के मजे लीजिए।